हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम। दिस इज अमित कपूर। आज मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ मंथ ऑफ सितंबर का मासिक राशिफल, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे धनु राशि की, सेजिटेरियस असेंडेंस की, मंथ कैसा जाएगा। तो सेजिटेरियस असेंडेंस इस महीने बहुत बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। चार चार प्लैनेट अपने खुद के साइन में ट्रांजिट करेंगे। मरकरी ऑन साइन में ट्रांजिट करेंगे आपके 10th हाउस में 22nd सितंबर तक। वीनस ऑन साइन में ट्रांजिट करना शुरू करेंगे 11th सितंबर से लेकर मंथ एंड तक आपके 11th हाउस में। शनि अपनी खुद की राशि में ट्रांजिट कर रहे हैं कैप्रिकॉन, और गुरु 14 सितंबर से नीच भंग राजयोग में चले जाएंगे। और इसके बाद मार्स जो है वो 6th सितंबर को 5 नंबर को छोड़कर, यानी 9th हाउस को छोड़कर आपके 10th हाउस में ट्रांजिट करना शुरू करेंगे। तो ये सारा महीना आपके लिए सेजिटेरियस बहुत बड़े बदलाव लेकर आ रहा है। देखें, इंसान जब कामयाबी की ओर अग्रसर होता है तो उसको बहुत जदोजहद करनी पड़ती है, बहुत हार्डवर्क करना पड़ता है, बहुत ज्यादा ओपोजिशन को फेस करना पड़ता है, बहुत ज्यादा ऐसी बातें सुननी पड़ती हैं जो शायद वो कभी कभी उन बातों को सुनकर डिप्रेशन में भी चले जाता है। लेकिन फिर भी उसके बावजूद जिनकी विल पावर स्ट्रांग होती है, जिनकी दृढ़ इच्छा शक्ति होती है, वो लोग कामयाबी तक पहुंच जाते हैं। तमाम तरह की नेगेटिव बातें सुनने के बावजूद भी कामयाबी तक पहुंच जाते हैं। तो सेजिटेरियस आपके साथ इस महीना कुछ ऐसा ही होने वाला है। ओपोजिशन आपके सामने स्टैंड लेगी, लेकिन आप उस वो ओपोजिशन आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी और आप निरंतर कामयाबी की ओर अग्रसर होते जाएंगे। ये सारा महीना आपके लिए अपॉर्चुनिटीज रिवार्ड लेकर आ रहा है। बहुत बड़ा बिजनेस आप निकालेंगे अगर आप बिजनेसमैन हैं तो। अगर आप आईटी से रिलेटेड काम करते हैं, अगर आप ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से रिलेटेड काम करते हैं, तो ये महीना आपके लिए बहुत बढ़िया एडवांटेज लेकर आने वाला है। मंथ ऑफ सितंबर में आपके लिए हर एक तरह से उपलब्धियां हैं, अपॉर्चुनिटीज हैं, रिवार्ड्स हैं। देखें आप उन अपॉर्चुनिटी को कैसे अवेल करते हैं, उन अपॉर्चुनिटी को अपनी लाइफ में कैसे अवेल करते हैं, वो डिपेंड करता है आपके ऊपर और आपके बर्थ चार्ट के ऊपर और आपकी थॉट्स के ऊपर। जितनी बड़ी सोच सोचेंगे उतनी बड़ी कामयाबी आपको मिलेगी। ये सारा सब महीना आपके लिए अपॉर्चुनिटीज रिवार्ड्स लेकर आएगा। रुके हुए काम आपके क्लिक होंगे। पहले 15 दिन आपके लिए भाग्य आपका आपके साथ में है, क्योंकि सूर्य भी 9th हाउस में है और 6 सितंबर तक मंगल भी 9th हाउस में है। 6 सितंबर तक वन ऑफ द बिगेस्ट गेम चेंजर डे फॉर यू। इवन 17 सितंबर तक जब तक सूर्य नवम भाव में है, आपके लिए हर एक तरह से उपलब्धियां ही उपलब्धियां मिलेंगी। देखें 11 सितंबर से 17 सितंबर तक चार चार प्लैनेट अपने साइन में चल रहे हैं, भाग्य में पूरा बल रहेगा। आपको कुछ इनहेरिटेंस मिल सकता है, बाप दादा की जमीन जायदाद मिल सकती है, इन लॉस के साथ अच्छे टाइप रह सकते हैं, फैमिली टाइप आपके बड़े अच्छे रहेंगे, फॉरेन से कुछ अच्छा बिजनेस आप निकालने में सक्षम रहेंगे, कामयाब रहेंगे और फॉरेन ट्रांजैक्शंस आपको लाभवांछित करेंगी। ये सारा महीना आपके लिए बरकत लेकर आने वाला है, गुड फेम अपॉर्चुनिटीज रिवार्ड्स लेकर आने वाला है। जरूरत है आपको एफर्ट्स लगाकर कुछ ना कुछ करने की। खाली घर में ना बैठे, ख्याली पुलाव ना बनाए, अपने प्लान्स को एग्जीक्यूशन में डालें। आप देखें भगवान की कैसी असीम कृपा आपके ऊपर 2021 में रहती। मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं जो सिर्फ सपनों में जिंदगी जीते हैं, जो सिर्फ डे ड्रीमर होते हैं लेकिन वो करते कुछ नहीं। तो इस समय आप अगर एफर्ट्स डालेंगे, हार्डवर्क करेंगे, पैशनेटली हार्डवर्क करेंगे, यू विल शाइन लाइक अ सन इन द मंथ ऑफ सितंबर 2021। फर्स्ट 17 डेज विल बी हाईली बेनिफिशियल एंड रिवार्डिंग फॉर यू। From 11 September to till end of the September 2021, Venus transit in your 11th house in Ekadash Bhav, which is again very strong position for you. If you have a Venus Mahadasha, Antardasha, Patyantardasha, you will blessed with a lot of financial gains. You will blessed with a lot of good tie up with your elder siblings. Your siblings will support you. You will earn money from multiple sources of earning. You will enjoy a lot of financial gains. You will enjoy a lot of savings. You will enjoy a lot of good time with your family and friend. This whole month brings a lot of passion, a lot of good start, new start for you. Some new opportunities will knock you, and if you apply that opportunity in your reality, you will definitely sky high. ये सारा महीना आपके पास उपलब्धियां, अपॉर्चुनिटीज आएंगी, रिवार्ड्स आएंगे। अगर हम फॉरेन रिलेटेड कोई काम करते हैं, पीआर की वेट कर रहे हैं या वर्क परमिट की, वर्क वीजा की वेट कर रहे हैं, तो ये महीना आपको लाभवांछित करेगा। आपकी इच्छा पूर्ति होगी, आपको पीआर मिल सकती है अगर आपने अप्लाई कर रखी है, या आपको वर्क परमिट मिल सकता है। ये सारा महीना आपके लिए बहुत ज्यादा पॉजिटिव इवेंट्स लेकर आने वाला है। बस आपको जरूरत है अपना एफर्ट्स करने की। जितने ज्यादा एफर्ट्स करेंगे उतनी ज्यादा बड़ी कामयाबी मिलेगी। सेकेंड हाउस में जुपिटर का
ट्रांजिट आपके लिए 14 सितंबर के बाद लगन लॉर्ड का सेकंड हाउस में नीच भंग अवस्था में ट्रांजिट करना आपके लिए फाइनेंस से रिलेटेड अच्छी खुशखबरी लेकर आने वाला है। फैमिली सपोर्ट आपको मिलेगी, वे ऑफ टॉकिंग आपकी बड़ी इंप्रेसिव हो जाएगी, वे ऑफ टॉकिंग के सदके आप कुछ नया अचीव करेंगे, फैमिली के साथ टाई अप आपके बहुत अच्छे रहेंगे, ये सारा समय आपको गुड गेन्स मिलेगा, फैमिली की सपोर्ट मिलेगी, हेल्थ आपकी अच्छी रहेगी, वेल्थ आपकी अच्छी रहेगी, आपका स्पाउस आपको सपोर्ट करेगा। मर्करी का ट्रांजिट आपके असेंडेंस से 10th हाउस में कार्य क्षेत्र में आपकी बढ़ोतरी होगी, अगर आप जॉब करते हैं आपके सीनियर्स आपकी परफॉर्मेंस से खुश रहेंगे, अगर आप किसी किस्म की अपना बिजनेस करते हैं जो कि फॉरेन से लिंक्ड है या मैन्युफैक्चर है या अपनी स्टेट में अपने प्रोडक्ट को सेल करते हैं अपनी सिटी में करते हैं, तो भी ये महीना आपको लाभवांछित करेगा क्योंकि बुध 22 सितंबर तक अपनी खुद की राशि में ट्रांजिट, उच्च राशि में दशम भाव में ट्रांजिट करेंगे। तो आपको जरूरत है इस समय में एफर्ट्स लगाने की, हार्ड वर्क करने की, पैशनेट होने की। आपके लिए इस महीने का जो मंत्र है, ओम ग्रह गृह ग्रो सह गुरुआय नमः, ओम ग्रह गृह ग्रो सह गुरुआय नमः, ओम ग्रह गृह ग्रो सह गुरुआय नमः, चैंट दिस मंत्र 108 टाइम, 121 टाइम, 151 टाइम, यू विल डेफिनेटली सी अ बिग चेंज इन योर लाइफ एंड मस्ट डोनेट सम, मस्ट गो फॉर सम चैरिटी ऑन थर्सडे इन पुअर पीपल और मस्ट डोनेट फॉर सम चैरिटी फॉर नीडी पीपल, इट विल बी अ हेल्पफुल रेमेडी फॉर यू। रेमेडी नंबर टू एंड टास्क नंबर टू फॉर यू, मस्ट गो फॉर एनी टेम्पल एंड डोनेट देसी घी 8 kg और 800 ग्राम जो भी आप अफोर्ड कर सकते हैं, या तो 8 किलो या 800 ग्राम देसी घी जो है वो टेंपल में या गुरुद्वारा साहब में लंगर घर में थर्सडे वाले दिन आप डोनेट करें। अब देखें गुड फॉर्चून आपका कैसे शाइन करता और हर एक तरफ से आपको उपलब्धियां मिलेंगी। स्पाउस की बहुत बड़ी सपोर्ट आपको मिलने वाली है, स्पाउस की तरफ से आपको कुछ मिल सकता है, इन लॉस की तरफ से आपको कुछ मिल सकता है, या आपके आपके फादर और आपके ग्रैंड फादर की तरफ से कुछ इनहेरिटेंस मिल सकता है। 17 सितंबर तक के योग आपके लिए बहुत ही ब्राइट है, फैमिली लाइफ आपकी एक्सलेंट रहेगी, यू विल स्पेंड wonderful time with your family and friend, all around success are there. I'm praying for your happy future. Thank you for watching my video. Namaskar, sat sri akal, salam, jai hind.